हेलो मम्मा, क्या बात है। किचन में जैसे ही घुस रहा हूँ उस समय ही आप यहाँ पर आवाज होने लग गई बर्तन की। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। हाँ बेटा, काम तो कर रही हूँ यार। क्या बात है, आप इतने थके थके लग रहे। काम करने वाली नहीं आने से सारा काम सर पे आ गया। नहीं आई दीदी काम करने वाली? नहीं आई। हमको तो अभी जाके पता चल रहा है कि काम करने वाली दीदी नहीं है। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई, कुछ इंडियन मंगाने का बात हो रहा है। सोच तो रही हूँ अब देखो। अच्छा, मजा आया। तो मेरे को तो चीज डोसा पसंद है, तो मेरे लिए तो चीज डोसा मंगवा लो। सब अपने अपने पापा को बता दो। अच्छा, आपको क्या पसंद है आप तो बताओ। मैं मसाला डोसा खाने के मूड में। और इडली उडली नहीं पसंद आपको? और ऐसे तो मैं सब में से मारूंगी, सब खाएंगे उसके में से, जो खाएगा सब में से लूंगी। तुम चीज डोसा मंगा रहे थे कि मैं चीज डोसा नहीं खाऊंगी, तुम्हारे में से वो भी खा लेना। चीज डोसा कब मना किया? ठीक है, पापा से देखो, बाहर से खाने आने का नाम से मेरे चेहरे पे कितनी खुशी आ गई। क्या बात है। तो चलिए पापा से भी पूछते हैं कि वो क्या खाएंगे। मम्मी बोल रही है कि आज साउथ इंडियन खाना बनने मंगवाने का बात हो रहा है। नहीं, मम्मी बोली है कि बाहर से मंगवाने का, इसलिए हम बोल रहे हैं कि क्या बात हो गया ऐसा? क्या कर रहे, वही हम पूछना चाह रहे हैं। मतलब क्या चाहिए, क्या करना चाहिए कि मम्मी किसी नहीं मना पा रही है। तो बात करो ना। मम्मी बोल रही है कि आज मूड नहीं कर रहे बनाने का, बहुत थकी थकी लग रही है क्योंकि काम वाली दीदी भी नहीं आई थी। ओ, नहीं है थी क्या? नहीं, मैं भी ध्यान नहीं दिया इतना। ये क्या चल रहा है शमशेर सिंह जी, देखते जाओ बस। हाँ, तो उसके लिए मम्मी बोल रही है कि बाहर से अपने साउथ इंडियन आज मंगवा लेते हैं। अच्छा ठीक है, तो अपने एक है डोसा वाला, अच्छा जान पहचान का डोसा वाला है, तो उसको बोलते हैं, उसको पहले भी हम लोग खाए हैं, तो बहुत ही अच्छा बनाता है, बहुत ही बेहतरीन बनाता है डोसा वाला। अच्छा, यहाँ पर कहाँ पर है ये? अपने चिनार पार्क कलकत्ता में ही है। हाँ हाँ, ये न्यू टाउन एरिया में, तो बहुत अच्छा है, प्लस जो डिलीवरी भी दे दी जाता है। तो उसके रेट्स रिजनेबल है क्या? रेट्स मोटा मोटी अगर आप कंपेयर करो जोमेटो से और दुकान से, हाँ, अगर रेस्टोरेंट्स होगा उससे तो सस्ते हैं थोड़े, और डोसे की क्वालिटी बहुत बेहतरीन है। आप जोमेटो से स्विगी से वहाँ से बेटर है ये वाला डोसा जो दे दिया जाता है। समझ रहे हो आप? चलो बढ़िया। वैसे कौन से खाने का सोचो? साउथ इंडियन खाएंगे तो बस, और डोसा वाला तो नेचुरली साउथ इंडियन खाएंगे। नहीं, मैं बोल रहा हूँ मसाला डोसा, चीज डोसा, कौन सा खाओगे? मैं तो मसाला डोसा खाता हूँ, अब अनुष्का से भी पूछ लो। और वड़ा वड़ा लोगे? वड़ा इडली तो इतना मैं खाता नहीं, मैं तो मसाला डोसा का शौकीन हूँ या रवा डोसा खाता हूँ, और चीज डोसा। मोडी व्हाट्सअप, तो क्या कर रही है? अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। अच्छा, क्यों, क्या हुआ, दर्द क्यों हो रहा है, सबको बताओ। तुम इतनी चहकती रहती है मेरे वीडियो में, कम से कम लोगों को कंटेंट तो दो। तुम कंटेंट नहीं देगी तो क्या होगा? मैं खुद का कंटेंट अभी तक बना नहीं है, मैं दूसरों को क्या कंटेंट दूं? ये क्या हो गया, तुम तो बहुत स्लीपी स्लीपी फील हो रही है। स्लीपी स्लीपी नहीं, मैं पीठ में बहुत जो लग गया। कैसे लगा? डोसा वोसा बनाने का, तो चलो भारत से आज डोसा और साउथ इंडियन फूड मंगाएंगे। देखो, साउथ इंडियन खाना पसंद है? ठीक ठाक। ठीक ठाक, क्या पसंद है साउथ इंडियन खाने में? तो सभी चीज पसंद है, इडली को छोड़ के। और इडली अगर पसंद भी है तो इडली इतना प्यारा चीज है, उसको तुम मना कैसे कर सकती है? तुमको शर्म नहीं आता इतना बित्ती भर का भी कि तुम इडली जैसे प्यारे चीज, इतने सॉफ्ट चीजों को तुम हर्ट कर रही है? ये सब क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा है मैं अंधा हूँ। बेशरम, इडली अगर पसंद तो फिर बटर वाला फ्राई करके। तुम बटर खा खा के मोटी, इसलिए हम तेरे मोटी बुलाते हैं, बटर बटर खाती रहेगी। मुझे वड़ा पसंद है। वड़ा पसंद है, अच्छा। और डोसा में? डोसा में मेरे को नहीं लगता, देख के तुमको कोई खास डोसा पसंद है। फिर भी मेरे को लग रहा है कि तुम मेरी बहन है, ये बोल के तुमको प्लेन चीज डोसा पसंद होगा। नहीं, इतना ज्यादा मेरे को तो लगता है इसको प्लेन चीज डोसा पसंद नहीं पसंद है मेरे को। यहां पर खाना चना फ्राई पहले खा तो बोलते हैं,
वो बाएं तरफ जो था अभी जो मेडिकल हो गया ना वही जो था वही था वही उधर चला गया। किधर चला गया? उस पार और जो वहां दुर्गा पूजा मंडप नहीं होता हां हां वही पर है डेकोरेट के पीछे डेकोरेट से पीछे है। अच्छा ये आपका डोसा अच्छा लगा पिछली बार मैंने पिछली बार खाया था ना वो बहुत अच्छा था हम लोग का था यहां पे राजा राठौर का नाम डोसा बहुत अच्छा लगा इसलिए हम बोले। तो फाइनली डोसा आने के बाद आहा क्या चटनी है ये है टमाटो की चटनी आई थिंक सो मैं गलत नहीं हूँ तो मम्मी ये टमाटो की चटनी है ना। सात बार बोले हैं पढ़ने निकले वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए हैं? पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ IAS बनो और देश को संभालो। और ये कोकोनट हाँ नारियल की चटनी सांबर भी बहुत अच्छा लग रहा है मतलब इनका खाया है पहले भी लेकिन इनका बहुत टेस्टी होता है। और मम्मी क्या निकाल रही हूँ पापा के लिए? डोसा निकाल रही हूँ। कौन सा डोसा मंगाया पापा? मसाला डोसा मंगाया। मसाला डोसा दिखाओ तो शक्ल तो दिखाओ इसकी। ये है चीज डोसा। हाँ ये तो भैया वाला है ना। भैया क्या क्या चीज डोसा? मैं अपने लिए वड़ा मंगाई हूँ। ओके ऐसे में बड़ा सख्त लौटा हूँ लेकिन यार यहाँ में पिघल क्योंकि ना रोटी उटी तो हर दिन बनता है लेकिन रोज रोज मम्मी के हाथ का बना हुआ पसंद नहीं। अरे ऐसा नहीं है रोज रोज रोटी उटी अच्छा नहीं लगता। नहीं यही कारण है मैं तो ये सोचती हूँ इन लोग मम्मी के हाथ का खाना खाता बस बस तुझे अक्कल है। और पापा डोसा क्या बढ़िया डोसा लग रहा है बहुत स्मेल भी बहुत अच्छा आ रहा है डोसा का अच्छा आता ही है। हाँ सांभर भी बहुत अच्छा है देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। नहीं हम लोग थोड़ी देर बाद खाएंगे बिकॉज ना मतलब अभी थोड़ी देर पहले हम लोग कुछ खाए थे ना वो मंगोड़ी का चावल खाए थे ना इसलिए अभी पेट भरा हुआ लग रहा है तो हम लोग तीनों एक साथ खाएंगे। खा के तो बताओ कैसा लग रहा है? अरे हर नहीं हर दिन अलग अलग टेस्ट होता है ना इसलिए। अबे साले तभी मेरा माफ करना गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ। मेरे पूरे मुंह में लग गया। अरे कहना क्या चाहते हो? टेस्ट तो फैंटास्टिक है जो भी कोलकाता में रहते एक बार ट्राई करना चाहिए अगर साउथ इंडियन पसंद है तो। मस्त जोक मारा रे ये हंस रहे हलकट हंस। जब तक के लिए गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट करते रहिए। थैंक यू शाबाश बेटा।